76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर शिक्षा विभाग विभानी ने कमर कस ली है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए विभाग ने तमाम सुविधाएं जुटा ली हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज बुधवार को विभिन्न स्कूल से छात्र छात्राओं ने भिवानी के भीम खेल परिसर में पीटी डंबल व संस्कृत कार्यक्रमों की रिहर्सल की। जी सर, जिला प्रशासन के आदेशानुसार भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह के आयोजन पर हमारे विद्यालय गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से 15 अगस्त की विशेष तैयारियां की जा रही है। हमारे एनसीसी के बच्चे परेड के लिए सिलेक्टेड हैं, जो कि भीम स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हो गए और उनके लिए हमारी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी है। जी, क्या नाम सर? मेरा नाम विनय कुमार है सर, मैं यहाँ एनसीसी इंचार्ज हूँ। 15 अगस्त को लेकर काफ़ी अच्छी तैयारियां चल रही हैं। हम लोगों को जो कार्य दिया गया है शिक्षा विभाग को, वो कल्चरल एक्टिविटी और रंगोली आदि का दिया है। तो आज ही हमारी एडीसी मैडम ने मीटिंग ली थी, जिसमें हमारे डीओ सर ने और मैंने भाग लिया और उनको जो भी कमियां थी उसका भी हम लोगों ने उनसे जिक्र किया, जैसे कि पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा लड़कियों के लिए। तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों को कहा है कि और पानी के लिए और मोबाइल शौचालय के लिए कहा है मैडम ने। और इसके अलावा जो बच्चे स्कूलों से जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो स्कूल में पहुंचने के बाद बच्चों को रिफ्रेशमेंट भी दी जा रही है। और इसके अलावा जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, 9 और 13 तारीख को 2 रिहर्सल होंगी, फाइनल जो है 11 को फाइनल किया जाएगा और 13 तारीख को संपूर्ण वेशभूषा के साथ प्रैक्टिस होगी। ठीक है। मेरा नाम सार्जेंट अभिषेक है, हमारा स्कूल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति, यहाँ पे जोरों शोरों से 15 अगस्त की तैयारी चल रही है और हमारे सर एनओ सर बहुत अच्छे हैं और हमें बहुत स्कूल की तरफ से बहुत सुविधा मिल रही है और हमारे यहाँ पे जोरों शोरों से 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। 15 अगस्त हर वर्ष के बाद ही बड़ा ग्रेसफुली मनाया जाएगा और जो शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी है उसमें कल्चर इवेंट्स का और बच्चों का पीटी शो के बारे में है। और कल्चर इवेंट हमारे 10 स्कूलों में फुल प्रैक्टिस हम नहीं रख पाएंगे और साथ ही कम से कम 800 से 1000 बच्चे जो हमारे पीटी डंबल में जो है पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी फुल ड्रेस रिहर्सल भी 11 और 13 दो दिन जो है रहेगी और बच्चा पूरी ड्रेस में रहेगा और उनके सभी इंतजाम कर लिए गए, उनके रिफ्रेशमेंट के लिए भी जो है कह दिया गया है। तो आज प्रशासन को इससे अवगत करा दिया गया है। म्यूनिसिपल कमेटी जो है वॉशरूम का इंतजाम कर रही है और पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ जो है वो पानी का इंतजाम कर रहा है। पूरा कार्यक्रम जो है हमारा जो एज पर शेड्यूल होता है प्रशासन की तरफ से, जिलाधीश महोदय जैसा भी उनका हमारे पास डायरेक्शन आएगी उनकी तरफ से रहेगा। हमारा इंटर डिपार्टमेंटल जो हमारा काम है वो बच्चों को पीटी और कल्चर इवेंट से है, वो उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है और बहुत ही शानदार प्रोग्राम जो है रहेगा। आज जो है इस बात का डिस्कशन हो गया है माननीय CTM साहब से कि बच्चे प्राइवेट स्कूल की बसों को हम हायर करके ही लेके आएंगे, चाहे वो सरकारी स्कूल का है चाहे वो प्राइवेट स्कूल का है। तो हम आज ही वो एक रूट जो है डिवाइस करके उन स्कूल वालों को दे देंगे। यदि कोई और भी इशू आएगा किसी भी प्रकार का तो उसको रिजोल्व करके सभी बच्चे बस में ही आएंगे और ये सभी के सभी प्राइवेट बस में ही आएंगे, कोई रोडवेज की बस नहीं रहेगी।